नंबर 12 में यहाँ पे ये तीन चीजें डिस्कस कर रहा है, साइज एंड टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट, के कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है आपने तो उसका साइज और उसका जो टाइप फेस है उसको कैसे मैनिपुलेट करना है सीएसएस के जरिए। अच्छा, बोल्ड, इटैलिक और कैपिटल्स, अंडरलाइंस, ये काम कैसे होंगे। बोल्ड हमने देखा था एचटीएमएल के टैग से भी हो जाता है बोल्ड, लेकिन सीएसएस से होना चाहिए असूल, ठीक है, क्योंकि स्टाइलिंग का काम हम कोशिश करते हैं सारा सीएसएस के जरिए करें, ठीक है, बजाय हम उसको एचटीएमएल के जरिए कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वो बैकग्राउंड कलर वगैरह जो हमने देखा है उसके लिए भी एट्रीब्यूट मौजूद है बीजी कलर, ठीक है, लेकिन सेपरेशन ऑफ कंसर्न की वजह से हम अब कोशिश करते हैं कि एचटीएमएल में सिर्फ स्ट्रक्चर की या सेमेंटिक चीजें हों और बाकी स्टाइलिंग से रिलेटेड सीएसएस में हो। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस एंड वर्ड्स एंड लेटर्स, कि दो लाइन अगर लिखी हुई है जैसे लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो उसको कैसे चेंज करना है सीएसएस के जरिए, ठीक है। वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है, मिसाल के तौर पे ये एक स्पेसिंग बिटवीन, ये दो वर्ड्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है ये कितने दूर या कितने करीब हो उसको भी चेंज कर सकते हैं हम, और लेटर्स के दरमियान जो फासला है। अभी यहाँ पे जो ये एल ई डबल टी, ये हर वर्ड के दरमियान एक सर्टन डिस्टेंस है, बहुत थोड़ा सा, इसको अगर मैंने चेंज करना है तो वो सी एस एस के जरिए कैसे चेंज होगा ये बात डिस्कस होगी, ठीक है। तो अलगर्स के टेक्स्ट में जो जो स्टाइलिंग होती है वो सब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ इन्होंने। तो सबसे पहले हम टाइप फेस को देखते हैं। टाइप फेस एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जो कौन सी फील्ड में इस्तेमाल होती है। टाइप फेस जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस की तो नहीं है ये, डिजाइन के अम्ब्रेला के अंदर ही आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड है, टाइपोग्राफी कहते हैं उसको, ठीक है, टाइपोग्राफी होता है। और एक और भी इसके लिए अच्छा सा वर्ड यूज होता है, वो यहाँ पे कहीं आएगा आगे। टाइपोग्राफर्स जो होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, वो फॉन्ट्स बनाते हैं। अच्छा, होते वो डिजाइनर हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिजाइन जो है वो एक ब्रॉड अम्ब्रेला है, एक बिगर अम्ब्रेला है। डिजाइन के अंदर ग्राफिक डिजाइनर वो भी आता है जो पोस्टर बना रहा है, जो बिलबोर्ड बना रहा है। ग्राफिक डिजाइनर वो भी आता है जो मोबाइल ऐप की स्क्रीन्स बना रहा है या वेब एप्लीकेशन की स्क्रीन बना रहा है, ठीक है, वो भी आता है जो प्रोटोटाइप बना रहा है एक्सडी के ऊपर और उसको वो बाकायदा चला के, और स्क्रीन भाई मारो नहीं उसको यार। अच्छा, तो थप्पड़ मार रहा है यार। अच्छा, तो फिर इसी तरीके से ना एक डिजाइनर वो भी होता है जो शादी कार्ड हाथ से लिखने वाले, देखे वो, मैं बचपन में जाता था ना अब्बू के साथ, ये बोतल गली जो नहीं, कैलीग्राफी तो वो पेंटर्स होते हैं जो मतलब लिखी हुई पेंटिंग होती है जिसमें अल्लाह ताला के नाम भी हो सकता है या रैंडमली कुछ शेर भी हो सकता है, कोई शेर वगैरह भी हो सकता है, तो वो भी कैलीग्राफी है। एक टाइपोग्राफर्स होते हैं, तो वो बचपन में जब जाते थे ना, वहाँ पे पेपर मार्केट भी है सिटी कोर्ट के बिल्कुल सामने, बोतल गली कहते हैं उसको, वहाँ पे परफ्यूम वगैरह लेने के लिए जाते थे हम और भी दूसरे, तो अब्बा के बिजनेस से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें सारी मिलती हैं। वहाँ पे वो बैठे होते थे अंकल एक चेयर लगा के, और एक उनके सामने टेबल होती थी, उन्होंने वो डुबो के, इंक में डुबोने वाला कलम होता था उनके पास, और उससे वो बैठ के लिख रहे होते थे, शादी कार्ड हाथ से बनाते थे, फिर वो उसकी प्लेट बनती है, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में लग के वो डुप्लीकेट होता है। बुक्स भी हाथ से लिखी हुई शायद आपने पता नहीं देखी हो या नहीं, जो पुरानी बुक्स होती हैं वो हाथ से लिखी हुई बुक्स होती हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, वेल छोड़ो वो खुद ही देख लेना, तुम पुरानी बुक्स होती है ना उसमें वो अलिफ, हर अलिफ अलग अलग दिखेगा तुम्हें, तो वो पता चलता है कि वो हाथ से लिखा है। वो जो कंप्यूटराइज जो कंपोजिंग वाली बुक होती है उसमें सारे अलिफ एक जैसे होंगे। तो वो टाइपोग्राफर्स, डिजाइनर की एक ना वो एक स्पेसिफिक शार्ट है, टाइपोग्राफर्स, वो फॉन्ट बनाने का काम होता है उनका। अच्छा, तो शुरू में क्या होता था, जैसे आप अगर ऑक्सफोर्ड की डिग्री देखेंगे, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने ऊपर एक ना वो अच्छा सा एक ऑक्सफोर्ड करके लिखा हुआ है, या KU की डिग्री देखेंगे आप, हाँ कराची यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, तो ये जो फॉन्ट है ना ये वाला कराची यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये हाथ से लिखा जाता है। इसके लिए बकायदा एक बंदा रखा हुआ है उन्होंने, वो इसको हाथ से बैठ के लिखता रहता है, ठीक है, नहीं प्रिंट नहीं होता अभी भी, ये हाथ से ही लिखता है। हाँ, इसमें कुछ हिस्सा प्रिंट होता है लेकिन कुछ हिस्सा इसमें हाथ से लिखा हुआ होता है अभी भी,
ठीक है, जैसे ये सीट नंबर ऊपर है ना, ये सब कुछ प्रिंटेड होता है, लेकिन ये हाथ से, ये मोनोग्राम भी प्रिंटेड होता है, ये जो दो लाइन है ये हाथ से लिखी हुई होती है, और शायद ये वाली दो लाइन भी है। वेल ठीक है, ये हिस्सा भी इसमें हाथ से लिखा हुआ है, ये वाला, ये देख रहे हो बाकायदा, ये कंपोजिंग वाला और हाथ वाला बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है ना। तो ये टाइपोग्राफर्स रखे हुए होते हैं इन्होंने। अच्छा, ये ऑथेंटिसिटी हुआ करती थी किसी ज़माने में ना, ये ऑथेंटिक होने की जमानत होती थी कि भाई ये फॉन्ट ना इसी बंदे को आता है और इसी ने लिखा है, ये राइटिंग वॉज द ऑथेंटिसिटी। और जो सिग्नेचर होता था वो भी एक्चुअली इसी से निकला था, कि वो सिग्नेचर एक खास फॉन्ट में लिखते थे, वो उसी को ही आता था कैसे लिखा जाता है, किसी और से वो उस तरह घूमता नहीं था। ठीक है, वेल कॉपी हो जाता था, ये भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये टाइपोग्राफर्स हुआ करते थे जो फॉन्ट बनाते थे। फिर जब कंप्यूटर्स आए तो इन फॉन्ट्स को ही, वही डिज़ाइनर है लेकिन अब वो फॉन्ट पेपर पे लिखने के बजाय कहाँ पे बनाते हैं, कॉरल ड्रॉ पे या इलस्ट्रेटर पे, उसको बना के एक एक कैरेक्टर को, कि भाई अगर ए से लेके जेड तक तो ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा, सही है, फिर सारा 1, 2, 3, 4 उसमें कैसा होगा, तो वो सारा बना के ना एक फाइल तैयार करते थे, दैट इज कॉल्ड टाइप फेस। सही है, तो वापस आ जाता है टाइप फेस पे। तो टाइप फेस जो है ना, टाइप फेस क्या होता है, किसी भी फॉन्ट की जो वो फाइल होती है ना उसको आप टाइप फेस कह सकते हैं, उसमें जितने भी टाइप्स होंगे ए से लेके जेड तक, स्मॉल ए से लेके जेड तक, तो उसके फेसेस कैसे होंगे, ए लिखा हुआ जो फेस है वो कैसा होगा ए का। ठीक है, ए का फेस अलग अलग हो सकता है। अब देखो इसके अंदर ए का फेस जो वो ऐसा है, किसी में ए का फेस ऐसा घुमा हुआ हो सकता है। अच्छा, तो टाइप फेस की जो टर्मिनोलॉजी है ना, सबसे पहली है वो सेरिफ। सेरिफ जो है उस तरह के फेस को कहते हैं जो ऐसा होता है चोंच वाला। सेरिफ फॉन्ट हैव एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन द एंड ऑफ द मेन स्ट्रोक्स ऑफ द लेटर्स, दीज डिटेल्स आर नोन एज सेरिफ। ये डिटेल सेरिफ कहलाती है, जो ये ऐसे आप इमेजिन करो ना, ये ब्रश से लिखा होगा जो शुरू में लिखते होंगे लोग, तो वो उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने कॉपी कर लिया। अच्छा, इन प्रिंट सेरिफ फॉन्ट वर ट्रेडिशनली यूज फॉर लॉन्ग पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ईजियर टू रीड। अब ये पुराना डिजाइन चला हुआ आ रहा है, पुराने जमाने के जो डिजाइनर्स थे उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट करके ना ये डिसाइड कर लिया कि इस तरह से होगा ना तो ईजियर होता है। ठीक है, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट में देखो सेरिफ वाला नहीं है ये। अभी जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या ये सेरिफ वाला है? ये सेरिफ वाला नहीं है। ये कौन सा वाला है? ये है सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ का मतलब है कि नो सेरिफ। ठीक है, सेंस का मतलब शायद होता है कि नो, मे बी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अनचार्टेड, तो वो चार्टेड होता है कि अनचार्टेड, तो ये अनसेरिफ है, समझ लो। सेरिफ सेंस सेरिफ फॉन्ट हैव स्ट्रेट एंड्स ऑफ लेटर, देयरफॉर दे आर मच ईजियर एंड क्लीनियर डिजाइन, क्लीन लगता है। स्क्रीन हैव लो रेजोल्यूशन देन प्रिंट। अच्छा, प्रिंट की जो रेजोल्यूशन होती है वो 300 PPI होता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना 72, इसमें वो प्रिंट में 300 होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है। सो टेक्स्ट इज स्मॉल, सेंस सेरिफ फॉन्ट कैन बी क्लीनर टू रीड। कह रहे हैं अगर आपका छोटा फॉन्ट है तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे डिजिटल स्क्रीन पे दिखाने के लिए, यही वजह है कि बुक में ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, उसके बाद है मोनोस्पेस। ये तीन बेसिक टाइप है टाइप फेसेस की। ये क्या है? ये तीन बेसिक टाइप है टाइप फेसेस की जो अभी तक हमने देखी है और भी अभी देखेंगे हम आगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने शादी कार्ड लिखा है तो उसका हेडिंग जो होगा वो इन तीनों में से किसी एक टाइप फेस में होगा। फिर उसके नीचे जो सब हेडिंग है वो इन तीनों में से किसी एक टाइप फेस में होगा, जो कैटेगरीज है। सही है। अच्छा, मोनोस्पेस, एवरी लेटर इन मोनोस्पेस, और मोनोस्पेस को फिक्स विड्थ भी कहते हैं, हैव द सेम विड्थ। कह रहे हैं कि आई की जो विड्थ होगी ना, चौड़ाई, वही एम की भी होगी, चौड़ाई जो है सबकी एक बराबर होगी। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? मोनोस्पेस फॉन्ट आर कॉमनली यूज फॉर कोड बिकॉज दे अलाइन नाइसली मेकिंग द टेक्स ईजियर टू रीड। कि कहीं पर कोड वगैरह लिखा होता है ना, जैसे जिप कोड वगैरह लिखा है या कोई फोन नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें ना ये वाला यूज़ करते हैं कि भाई 0302 वो सबका इक्वल हो। ठीक है, 1 भी उतनी ही जगह ले रहा हो जितना 0 ले रहा है, तो वो अलाइन अच्छे से होता है। मिसाल के तौर पर 11 डिजिट का नंबर है अगर, तो 200 नंबर लिखे हुए ना लाइन से, तो उनकी विड्थ बराबर होगी।
ठीक है, अगर वन किसी नंबर में बहुत सारे वन है तो उसकी विड्थ कम नहीं हो जाएगी, उसकी विड्थ बराबर रहेगी जितनी बाकी नंबर्स की है। किसी नंबर में अगर टू 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 बहुत सारा है तो वो विड्थ उसकी ऊपर से नीचे तक एक जैसी दिखेगी। तो नंबर एक रीजन तो ये हो गया। नंबर दो रीजन के टाइपराइटर्स के अंदर ये फॉन्ट बड़ा फेमस था। आपने देखा होगा टाइपराइटर से लिखे हुए जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो इसी तरह के फॉन्ट में हुआ करते थे। उसका क्या रीजन है? टाइपराइटर में ये इसी तरह का हुआ करता था ना, देख रहे हो, एल को बिला वजह चौड़ा किया हुआ है, आई को बिला वजह चौड़ा किया हुआ है, ताकि वो सारे जो फॉन्ट्स है ना उसका वो एक जैसा हो। ये तो खैर एक्चुअल टाइपराइटर की राइटिंग नहीं है। देखा है किसी ने टाइपराइटर यहाँ से? ये देख रहे हो, ये टाइपराइटर इस तरह की होती थी राइटिंग। इसका बेनिफिट ये होता था कि अगर कोई एक वर्ड आपसे गलत, मिसाल के तौर पर आपने लिखना था ट्वाइस, आपने ये वर्ड लिखना था ट्वाइस, टी डब्ल्यू आई सी, तो आपने टी डब्ल्यू आई के बाद ना सी की जगह कुछ और वर्ड गलती से प्रेस कर दिया, आई कर दिया दो दफ़ा आपने, इस तरह की कोई मिस्टेक हो गई, तो फिर वो क्या करते थे कि बीच में से एक लेटर को ना रबर से मिटा देते थे, और रबर से मिटा के वो एग्जैक्टली उसी जगह अलाइन करके दोबारा सही वाला कैरेक्टर ठोकते थे तो वो प्रिंट हो जाता था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर आई का स्पेस कम होता और एम का स्पेस ज़्यादा होता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती फिर, ठीक है। तो मोनो स्पेस टाइपराइटर में भी आपने, आप ये नोट करेंगे कि टाइपराइटर में ये वाला फॉन्ट बहुत फेमस है। हो गया डिस्कनेक्ट, मैं यही देख रहा था कि कब डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, अब तो कंप्यूटर में तो हम कर सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर वो फिजिकल पेजेस पे ना उसके लिए था गया। लेकिन अभी तो खैर टाइपराइटर खत्म हो गए, अभी तो तुम सही कह रहे हो जस्टिफाई कॉन्टेंट अब होगा हमारे पास। लेकिन ये मोनोस्पेस जो फॉन्ट है ना, ये बाई डिज़ाइन आप इस पर कुछ ना भी अप्लाई करें तो सीधा ही रहेगा। तो वेल, अभी ये कैटेगरीज बता रहे हैं। अगेन, ये जो डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं इस बुक के अंदर, ये जो डिस्कस कर रहा है, ये इस वजह से कर रहा है कि आपको डिज़ाइनर से बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिज़ाइनर कल को बोलेगा ना सैन सेरिफ, तो आपको पता होना चाहिए कि सैन सेरिफ क्या है। अभी पता हो गया, सही है। अब अगर डिज़ाइनर बोलेगा यार इसमें मोनोस्पेस रखना है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मोनोस्पेस, व्हाट इज मोनोस्पेस, तो आप फिर आगे उसको जवाब दे सकते हैं कि अच्छा यार, आप जाहिर है अपना ख्याल तो नहीं बताएंगे क्योंकि डिज़ाइनर वो है, आप कहेंगे ठीक है भाई जो करना है कर दे, लेकिन वेल आपको पता होगा तो आप कोई ओपिनियन अगर आपका होगा जस्ट इन केस तो आप दे सकेंगे, अदरवाइज आप क्या होगा, आप चुप से सुनते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कुछ और भी जो है ना बातें हो रही हैं। अच्छा, ये सारी बातें बताने का मकसद ये भी नहीं है कि आप इनको रट्टा मार लें, ठीक है, रट्टा मारना भी मतलब नहीं है, वो ये है पढ़ी हुई है, डॉक्यूमेंटेड है ये चीज़ें सारी। आपको जस्ट ये पता हो गया कि यार टाइपोग्राफर्स जो फॉन्ट बनाते हैं वो तीन अलग अलग तरह के फॉन्ट बना सकते हैं जो हमने पढ़ लिए, और भी अलग अलग तरह के फॉन्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज होती हैं इसमें, ये बात पता चल गई आपको, कैटेगरी के नाम क्या होते हैं वो पता चल गया आपको। अब उस कैटेगरी की क्या डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आके खोल के आप देख लेंगे, बुक तो आपके पास है ना, बुक तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा, बचपन में हमने इंग्लिश लिखने वाली एक कॉपी होती थी, चार, ये क्या हो रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, तो चार लाइनों वाली ये ऐसी कॉपी हुआ करती थी, तो ये वही चार लाइनें हैं भाई, ठीक है। ई को दो लाइन के बीच में बनाना है, ये आपको सिखाया गया होगा बचपन में स्कूलों में, सही है। तो भाई इन चार लाइनों के ना अलग अलग नाम होते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और इन चार लाइन के ऊपर भी एक लाइन होती है, चार लाइन से देखो हल्की सी ऊपर जा रही है लाइन, ये जो कि बनी भी नहीं होती उसमें, लेकिन आप ऊपर ले जा रहे होते हैं उसको, तो इसको एस्केंडर अबव द कैप हाइट कहते हैं, सही है। ये सबसे टॉप वाली लाइन जो कैप हाइट है, एक्स हाइट है, बेस लाइन है, डिसेंडर है, ये चार लाइनों के अलग अलग नाम, ठीक है। तो कभी कोई डिज़ाइनर आपके सामने बहुत ज़्यादा फनकारी करने के लिए ये वाली टर्मिनोलॉजी फेंक फेंक के मारना शुरू करें तो आप बोलेंगे कि सब्र करो, मुझे भी पता है, सही है। नहीं, असल में वही वाली बात है जो शुरू में मैंने बताई थी कि यार दो इंजीनियर जब आपस में बात करेंगे ना तो वो टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे यार,
अगर डिजाइनर आपको बोलेगा कि यार बेस लाइन सही जगह पे नहीं आ रहा, आपने सीएसएस गलत लिखी है, अब आपको बेस लाइन ही नहीं पता, ठीक है? तो बेस लाइन सही जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको बेस लाइन पता होना चाहिए कि है क्या चीज़ है। तो इसलिए ये मतलब डोमिनेंस के लिए नहीं है कि उसको आप टर्मिनोलॉजी फेंक फेंक के मारे, पर ऐसा डिजाइनर ही कोई ना पता हो, जरूरी नहीं है कि उसको चारों का नाम पता हो, जरूरी थोड़ी है। तो ये डोमिनेंस का चक्कर नहीं है, ये असल में कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाने के लिए होता है टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल। अच्छा, फॉन्ट वेट क्या चीज़ होती है? हाँ, फॉन्ट वेट जो होता है ना, वो लाइट, मीडियम, बोल्ड या ब्लैक हो सकता है, ठीक है? हमने सिर्फ बोल्ड पढ़ा और नॉर्मल पढ़ा है, जो HTML में बी का टैग लगाते हैं बोल्ड हो जाता है, मीडियम नहीं कर सकते हम, HTML में रहते हैं मीडियम तो नहीं कर सकते, लाइट भी नहीं कर सकते, ब्लैक भी नहीं कर सकते। अच्छा देखो, बाय डिफॉल्ट जो आपको फॉन्ट मिलता है ना, अभी डिजिटल फॉन्ट हमने निकाला नहीं है, अभी थोड़ी देर में निकालते हैं। ये बात तो समझ आ गई ना तुम्हें कि फॉन्ट हवा से नहीं आते, कोई बनाता है, हवा से नहीं बनते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक फॉन्ट है, दैट इज कॉल्ड एरियल। एरियल एक फॉन्ट है, सबसे पहले आ रहा होता है हर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ए से होता है। एरियल के अंदर जब वो बनाएगा ना ए से लेके जेड तक, तो एक बनाएगा कैपिटल, एक बनाएगा स्मॉल, ए से जेड तक, ए से जेड तक, ये हो गया। ये जो इसकी बोल्डनेस होगी, जो वो नॉर्मल होगी, एक नॉर्मल बोल्डनेस का बनाएगा। अच्छा, फिर ऐसी ही एक और फाइल बनाएगा कि बोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखे, ठीक है? तो हमें जो ए दिख रहा होता है ना पतला, और ए दिख रहा होता है मोटा, वो उसने बताएगा कॉरल ड्रॉ में बनाया होता है, एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को कॉरल ड्रॉ पे बनाया हुआ होता है उसमें। अगर उसने बोल्ड बनाया हुआ ही नहीं हो ना उसमें, आप बोल्ड करेंगे कुछ भी नहीं होगा, आप बोल्ड करेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो वो बोल्ड कैरेक्टर की फिर वो एक अलग चार्ट बनाएगा कि ए से जेड तक स्मॉल कैसे दिखते हैं बोल्ड, ए से जेड तक कैपिटल कैसे दिखते हैं बोल्ड। अच्छा, फिर हो सकता है वो लाइट में भी बनाए, यानी नॉर्मल से कम बोल्डनेस, ठीक है, लाइट, ठीक है? जैसे वो सियोगी करके एक फॉन्ट है, सोगोई करके, वो बड़ा अच्छा सा है, सोगी, वो है ही लाइट फॉन्ट है, उसमें बोल्ड है ही नहीं, वो लाइट फॉन्ट है। तो अब मिसाल के तौर पे ये टाइपोग्राफर पे डिपेंड करता है कि वो आपको बोल्ड फॉन्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, सही है, या आपको ब्लैक फॉन्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा, आजकल जो टाइपोग्राफी है, जैसे एक रोबोटो करके फॉन्ट है, वो गूगल का बड़ा मशहूर फॉन्ट है, तो उसमें उन्होंने जो लाइट होता है उसकी वैल्यू भी होती है 300, अभी वो आगे आ जाएगा कि लाइट 300 होता है, जो मीडियम होता है वो शायद 400 होता है या 500 होता है, फिर बोल्ड जो होता है वो 600 होता है, और ब्लैक जो होता है वो 800 या गालबन 900 होता है, और इससे भी आगे का दे सकता है अगर टाइपोग्राफर चाहे वो। तो टाइपोग्राफर क्या करेगा, अलग अलग चार्ट बनाएगा, वो बोलेगा अगर बोल्ड जो वेट है वो 300 हो तो ये चार्ट है उसका, ए से जेड तक कैपिटल, ए से जेड तक स्मॉल, और जीरो से लेके वन तक, और जो भी सिंबल्स वगैरह सब है उसमें, वो सब बनाएगा 300 वेट के लिए, फिर 400 वेट के लिए, फिर 500। तो डिपेंड करता है वो कि वो क्या बना के दे रहा है आपको। हमें तो आमतौर पे MS ऑफिस में हम करते हैं ना कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करते हैं बोल्ड तो बोल्ड हो गया, दैट्स इट, ठीक है? तो CSS के अंदर आप बाकायदा टाइपोग्राफर जो बना के दे रहा होगा ना, एग्जैक्टली आपको वो सारी चीज़ें मिल रही होंगी, और एग्जैक्टली आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? MS ऑफिस में सिर्फ बोल्ड और नॉर्मल का ऑप्शन होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता, या मे भी होता हो अंदर, हमने नहीं देखा। वेल, इटैलिक में भी इसी तरह। अब वो टाइपोग्राफर क्या करेगा, एक चार्ट अलग बनाएगा ए से लेकर जेड तक इटैलिक कैसा दिखेगा ये फॉन्ट, सही है? तो वो अलग अलग कैरेक्टर, असल में वो एक ए जो दिख रहा है ना वो एक इमेज है, दैट्स इट, वो इमेज एज इट इज दिखेगी आपको जैसा वो दिखा रहा है। फिर नॉर्मल का अलग बनाएगा, इटैलिक का अलग बनाएगा, ऑब्लिक का अलग बनाएगा। फिर अगर इटैलिक और बोल्ड साथ में कर दिया किसी ने, तो उसका एक तीसरा चार्ट होगा अलग, कि अगर बोल्ड भी हो इटैलिक भी हो तो ये कैसा दिखेगा, वो समझ रहे हो? बहुत सारे कैरेक्टर, तो जब ही तो 100 KB का फॉन्ट होता है वो, 100 KB का मतलब समझ रहे हो, अच्छा हाँ सर, तो हुआ है कि उसमें ये है सारा, ठीक है? अच्छा, फिर उसके अलावा एक चीज़ होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच के अंदर कंडेंस, रेगुलर या एक्सटेंडेड हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ें हम CSS के जरिए चेंज कर सकते हैं, ये जस्ट अभी टर्मिनोलॉजी गिनवा रहे हैं कि यार ये टर्मिनोलॉजी होती है, इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेच का मतलब आप समझ रहे हैं, कंडेंस, रेगुलर, एक्सटेंडेड, देख के ही समझ आ रहा है कि क्या मतलब है इसका।
अच्छा आगे आ जाते हैं आप, चूजिंग अ टाइप फेस फॉर योर वेबसाइट। कह रहे कि सेरिफ के अंदर जो है ना वो फेमस जो टाइप फेसेस जो लोगों ने बनाए हुए हैं वो जॉर्जिया टाइम्स है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये मोस्ट फेमस है। सैन सेरिफ के अंदर एरियल है, वर्दाना है और हेलवेटिका है, ये तीन मोस्ट फेमस है। ठीक है, और भी है मोस्ट फेमस, इसने तीन का जिक्र कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ये मेन बात बताना चाह रहा है ना वो ये बताना चाह रहा है, when choosing a typeface it is important to understand that a browser will usually only display this font if it is installed on that particular computer। मिसाल के तौर पे आपने css में लिख दिया कि यहां पे क्या दिखा दो फॉन्ट, मतलब इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट है उसको कर दिया जाए वरदाना, ये जो वरदाना लिखा हुआ है सेकंड या एरियल, ठीक हो गया। अगर उस कंप्यूटर के अंदर ये फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो क्या होगा? क्यों, जैसे कि मैंने बताया कि फॉन्ट किस तरह से बना हुआ होता है, एक एक कैरेक्टर बाकायदा कॉरल ड्रॉ पे या इलस्ट्रेटर जिसपे भी बनाते होंगे वो बना हुआ होता है, बाकायदा ड्रॉ हुआ हुआ होता है, ठीक है। और बहुत महंगे बिकते हैं ये फॉन्ट फेसेस, अगर आपको मैं बताऊं तो, ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट फेसेस हैं वो कुछ डिजाइनर्स हैं, भाई फ्रेंच डिजाइनर है, इसका ये पेटेंट है। अब ये फॉन्ट फेस उसने बना के रखा हुआ है, जिसने भी ये लेना है ना तो वो पैसे दे और ले ले, ठीक है। ऑनलाइन भी बिक रहे होते हैं, जैसे टेम्पलेट बिकते हैं इसी तरह फॉन्ट भी बिकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट आप खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे स्टोर बने हुए हैं जहाँ पे फ्री और पेड फॉन्ट मिलते हैं। गूगल फॉन्ट करके भी एक वेबसाइट है जहाँ पे गूगल अपने बनाए हुए फॉन्ट बेच रहा होता है फ्री में, फ्री में दे रहा होता है, ठीक है। भाई गूगल को चाहिए हर चीज़ मेरी यूज़ करो, दैट्स इट, ठीक है। वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरा यूज़ करो, सब मेरा यूज़, तो फॉन्ट यूज़ जब लोग करेंगे ना उसका तो उसमें भी उनका बड़ा बेनिफिट है, वो एक अलग डिस्कशन है कि वो क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हर कोई हमारा फॉन्ट यूज़ करे। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर उस कंप्यूटर में वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो क्या होगा? डब्बे डब्बे बने हुए आ सकते हैं, ठीक है। तो दो तीन पॉसिबिलिटी है इसकी, अगर तो वो फॉन्ट नहीं है तो उसमें वो फॉल बैक पे कोई दूसरा फॉन्ट होगा जो उस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, या तो वो उस पर गिरेगा आके कि यार चलो वो फॉन्ट नहीं है तो इसमें दिखा दो, या तो वो स्क्वायर बॉक्सेस वगैरह कुछ बने हुए आ सकते हैं, वो सही डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये समझ में आई कि फॉन्ट, अगर मैंने बोला है ना कि इस पैराग्राफ को एरियल करके दिखाना है तो इसका मतलब है कि उस कंप्यूटर में एरियल नाम का फॉन्ट होना चाहिए, मौजूद इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे लिए जो है ना वो क्या है कि हम इसको अब कैसे करेंगे। अच्छा, ये तीन और इसने कैटेगरीज बता दी यहाँ पे ना, एक मोनोस्पेस इसने जिक्र किया था पहले, एवरी लेटर इन मोनोस्पेस टाइपफेस इज द सेम विड्थ। अच्छा, कर्सिव जो है वो क्या है, कर्सिव फॉन्ट ईदर हैव ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स और अदर कर्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हैंड राइटिंग स्टाइल, ठीक है। कह रहा है भाई इसमें ना क्या होगा कि जैसे एप्पल किसी ने लिखना है तो एप्पल बहुत सारे लोग ए लिखेंगे, फिर मिला के पी लिखेंगे, फिर मिला के पी लिखेंगे, फिर ऐसे ना करते हैं लोग। तो कह रहा है इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स होंगे, उसमें दो कैरेक्टर जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे उर्दू के अंदर आप देखेंगे, अगर आपने हलवा लिखना है उर्दू में तो हे लिखेंगे तो मिला के लाम लिखना पड़ेगा आपको, मिला के वाव लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये ज्वाइनिंग स्ट्रोक, तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होंगी ना किसी अंग्रेजी फॉन्ट में तो उसको कर्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, विजुअल स्टूडियो ने खरीदा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने फॉन्ट है सारे वो सब माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदे हैं किसी ना किसी से, या खुद बनाया। जैसे उनका जो अभी कैलिब्री जो है इनका, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का फॉन्ट है कैलिब्री जो है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने या तो एम्प्लॉय रखा है उसको बोला है बनाओ भाई तुम, या तो किसी से लिया है और वो अपने पास मतलब फुल पेमेंट करके उससे सारे राइट्स खरीद लिए हैं और वो चला रहे हैं उसको, सही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कैलिब्री जो है वो अभी टॉप नॉच इनका है माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट, गूगल का रोबोटो है, एप्पल का भी एक है वो एक्स एक्स करके पता नहीं क्या उसका नाम है, अच्छा सर वो इनकी जो आईफोन की जो सेटिंग वगैरह होती है वो सारी जगह तो वहाँ पे एक ही फॉन्ट होता है, तो वो इनका बनाया हुआ फॉन्ट है।
अच्छा, उसके अलावा फैंटेसी करके एक है फॉन्ट, इसमें क्या होता है डेकोरेटिव होते हैं ये फॉन्ट्स। डेकोरेटिव मतलब कि उसके ऊपर जगमग तारे लगे होंगे, कोई सितारा मतलब ए बना हुआ उसके बीच में स्टार बना हुआ होगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो डेकोरेटिव होते हैं ये फॉन्ट, दे आर नॉट डिजाइन फॉर लॉन्ग बॉडीज ऑफ टेक्स्ट। ये हेडिंग वेडिंग में आप लगा लें बस इसीलिए बने हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखने के लिए इसको नहीं बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बड़ी बेहतरीन बात बताई है, ब्राउजर्स आर सपोज टू सपोर्ट एटलीस्ट वन टाइप फेस फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप्स अबव। अभी तक हमने पांच क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी है ना टाइप फेसेस की, वो पांच तरह के हो सकते हैं। नंबर एक सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और लास्ट वाला फैंटेसी। तो ये पांच कैटेगरीज हैं कि कोई भी फॉन्ट अगर होगा ना तो इन पांच कैटेगरीज में हो सकता है। अच्छा, और भी बन गए होंगे लेकिन बेसिक तो पांच एटलीस्ट है ही है। ब्राउज़र जो है, कोई भी अच्छा ब्राउज़र जो अपने आप को कहता है यार हम अच्छे टॉप के ब्राउज़र हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि इन पांचों कैटेगरीज में ना एटलीस्ट एक फॉन्ट सपोर्टेड हो जो ब्राउज़र में पहले से इंस्टॉल हो, जो ब्राउज़र में पहले से इंस्टॉल हो। ठीक है, हर ब्राउज़र के लिए ये ज़रूरी है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई भी उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि इन पांच जो है ना कैटेगरीज उनमें से हर कैटेगरी का एटलीस्ट एक फॉन्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेड हो, ये ज़रूरी है। ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है बहुत ज़माने से और ये चल रहा है। अच्छा, फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉमन टू एड जेनेरिक फॉन्ट नेम आफ्टर योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ टाइप फेस। कह रहे हैं कि यही वजह है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना कि यार अगर वो एरियल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हम जब फॉन्ट फेसेस बताते हैं ना तो हम ऐसे बताते हैं, हम कहते हैं जॉर्जिया लगा दो, अगर जॉर्जिया नहीं मिलता तो टाइम्स लगा दो, टाइम्स मतलब टाइम्स न्यू रोमन के लिए शॉर्ट है, ये भी नहीं मिलता तो सेरिफ का कोई भी लगा दो। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एटलीस्ट जो एक फॉन्ट होगा ना सेरिफ का वो लग जाएगा इधर। तो इस तरह करके ना हम फॉल बैक देते हैं, तीन फॉल बैक दे रहे हैं, दो फॉल बैक दे रहे हैं, एक एक्चुअल फॉन्ट है, दूसरा दो फॉल बैक है। तो ये एक तरीका हो गया, एक बेसिक तरीका कि किसी भी फॉन्ट को अगर आपने लगाना है ना तो पहले आप उसका नाम लिखेंगे और फिर आप उसके बाद उसका एक फॉल बैक और दो फॉल बैक आप लिखेंगे। मगर ये तो मसला हल नहीं हुआ, ये तो मसला हल नहीं हुआ। मसला हल इसलिए नहीं हुआ कि भाई आपको चाहिए था कैलिबरी, आप जरा कैलिबरी लिखते हैं वो कौन सा फॉन्ट फेस है देखते हैं। कैलिबरी आई से got it। अच्छा भाई, कौन मुझे बताएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में से है? सेंस सेरिफ है, ठीक है, इजीली बता दिया आप लोगों ने तो कैटेगरी हमें पता चल गई। अब मिसाल के तौर पे सेंस सेरिफ जो है ना, सेंस सेरिफ फॉन्ट अब मैंने लिखा, अब ये सेंस सेरिफ ये भी है लेकिन ये कैलिबरी से कितना डिफरेंट है, ये वाला भी सेंस सेरिफ है, ठीक है, ये भी सेंस सेरिफ है। अच्छा, ये जीप जो लिखा हुआ बाय द वे इनका पेटेंट होगा, ये किसी फॉन्ट में ऐसा जे आपको नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। वेल, तो आप देख रहे हैं हर बंदे ने जो सेंस सेरिफ लिखा है ना वो अलग अलग है, ठीक है। ओपन सेंस, ये भी सेंस सेरिफ है लेकिन कैलिबरी से बहुत डिफरेंट है, ये कैलिबरी के जो एजेस है ना वो गोल 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 मटोल्स हैं, ये एस का जो एज है ना चकोर नहीं है उसका, गोल मटोल्स है थोड़ा। तो ये तो मसला हल नहीं हुआ कि भाई अगर मुझे कैलिबरी फॉन्ट लगाना था और वो क्या कहते हैं, ये देख रहे हो कैसे इसने आई का नुक्ता गोल किया हुआ है, एल का ये जो ऊपर का स्क्वायर है वो गोल किया हुआ है, एक ख़ास थीम है इसकी, ठीक है। अब मुझे ये वाला थीम चाहिए, मैंने कैलिबरी लगा दिया, अब होगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट एज में जब ये खुलेगा ना तो उसमें तो कैलिबरी 100% इंस्टॉल होगा ही होगा, सही है, ये तो ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर ये खुलेगा किसी दूसरे ब्राउजर में या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वहाँ तो कैलिबरी नहीं होगा फिर। अच्छा, इवन दो कि अगर ब्राउजर के अंदर वो फॉन्ट नहीं होता ना इंस्टॉल तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल हुए हुए फॉन्ट उठाता है, असल में आपके कंप्यूटर के अंदर ना फॉन्ट की एक अलग जगह बनी हुई होती है,
ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो उस जगह पे कुछ फॉन्ट पहले से होते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो अपने साथ कुछ फॉन्ट लाता है तो वो भी उधर ही जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ लें आपके घर के कोने में एक अलमारी है, उसमें सारे फॉन्ट हैं, तो पहले जब आप घर आपका बना है ना जब, तो उसमें पहले से कुछ कपड़े रखे हैं कुछ फॉन्ट, ऐसा होता नहीं है वैसे। तो अब जब भी कोई बंदा आएगा ना, कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा आपके कंप्यूटर में, तो वो अपने साथ कुछ फॉन्ट लाता है, लेकिन वो फॉन्ट उस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते, वो होते उसी अलमारी के अंदर है, ठीक है। वो कैसे मिलेगा आपको, आप जाएंगे यहाँ पे और आप लिखेंगे फॉन्ट, इसमें यहीं पे कहीं होता है फॉन्ट, सेटिंग में ही कहीं होता है फॉन्ट इसके ना। ये तमाम फॉन्ट्स हैं जो मेरे कंप्यूटर में इस वक्त इंस्टॉल है। विंडोज में भी आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको फॉन्ट करके कंट्रोल पैनल में एक आ रहा होता है, अगर मैं सही हूँ तो, फॉन्ट इन कंट्रोल पैनल विंडोज, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि कुछ इस तरह से दिखता है ये, देख रहे हो यहाँ सेटिंग में ना ऐसे फॉन्ट लिखा हुआ होगा, और जब यहाँ जाओगे तो अवेलेबल फॉन्ट यहाँ सारे आ जाते हैं, ऑल लैंग्वेजेस यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट हुआ है, ऑल लैंग्वेजेस के जितने फॉन्ट है वो सारे आप देख सकते हैं। तो जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो वो अपने साथ जो भी फॉन्ट लाएगा ना वो इधर इंस्टॉल होंगे आके। अब यहाँ देखते हैं कैलिब्री यहाँ पे है या नहीं है, कैलिब्री की स्पेलिंग क्या थी, ये है ना कैलिब्री की स्पेलिंग, जाके मैं उधर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं है भाई कैलिब्री इसके अंदर, मोस्ट प्रोबेबली मैंने कोई विंडोज़ की कोई शायद ऐप इंस्टॉल नहीं की है, ठीक है। अच्छा तो मैं कोई फॉन्ट डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैंने कहा कि भाई डाउनलोड कैलिब्री फॉन्ट, मोस्ट प्रोबेबली ये फ्री में अवेलेबल होगा, फ्री नहीं होगा तो पायरेटेड होगा, वेल फ्री होगा ये। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये फ्री तो मेरे लिए है ना, मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा तो होगा, लेकिन एप्पल वाले अगर अपनी डिवाइसेस में प्री इंस्टॉल अगर ये देते हैं तो एप्पल वालों को क्या करना पड़ेगा, ये फॉन्ट ख़रीदना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। और वो ईच डिवाइस यानी जितनी डिवाइसेस प्रोड्यूस होती हैं वो पर डिवाइसेस के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या गेम चल रही है। जैसे वाईफाई जो होता है, वाईफाई जिनका पेटेंट है ना, ये जितनी दुनिया में डिवाइसेस प्रोड्यूस हो रही है ना वो पर यूनिट के हिसाब से वाईफाई वालों को पैसे देते हैं, यानी वाईफाई का जो चिप जिसकी जिसके पास पेटेंट है उसका। ब्लूटूथ जो है वो एक ब्लू कलर का लोगो, वो भी पेटेंट है किसी का, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि जिस डिवाइस में वाईफाई हुआ करता था या ब्लूटूथ हुआ करता है उस डिवाइस के जो पैसे होते हैं वो ज़्यादा। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो वायरलेस चार्जिंग है, ठीक है, जो ची है 3.0 वो चाइनीज़ कोई कंपनी है उसके पास उसका पेटेंट है। तो वो यही देखें आप मोटरोला में उसका नाम उन्होंने टर्बो चार्जिंग किया हुआ है, वगैरह हमने अपना बनाया, नाम भी हमारा अपना है, ठीक है। ची नहीं है जो 3.0 ची है ना उसको, वो अगर रखेंगे नाम तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, सही है। तो मैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करूँगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पे कौन सी वेबसाइट कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल कर रही है, मैं यह सबको एक एक करके इंस्टॉल करता रहूँगा ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगा। ये तो विंडोज़ एक्सपी की याद दिला देगा कि जो चीज़ लगानी है उसका ड्राइवर करो, जो चीज़ लगानी है ड्राइवर करो, है ना, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अब मेरा जो यूज़र है मैं उसको बोलूँ कि तू फॉन्ट इंस्टॉल कर, ऐसा नहीं होगा। अब क्या हाल है इसका, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम वो फॉन्ट ऐसा इस्तेमाल करें जो तमाम ब्राउज़र में मौजूद है, ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करें। अच्छा ऐसे अभी ये वही वाली बात आ रही है, आगे ये वही वाली बात आ रही है, टेक्निक्स दैट ऑफर अ वाइडर चॉइस ऑफ टाइप फेसेस। अब क्या ऐसा गेम करा जाए, क्या ऐसी कहानी घुमाएं कि हम जो टाइप फेस लगा रहे हैं ना वो सब जगह हो जाए। लॉक कर दो यार उठ के एक बंदा जो लैपटॉप वाला नहीं है। अच्छा देयर आर सेवरल वेज टू यूज फॉन्ट अदर देन दोज लिस्टेड इन द प्रीवियस पेज। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जुगाड़ तरीके भी हैं जिनसे आप लगा सकते हैं। हाउ एवर टाइप फेसेस आर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। कह रहे हैं कि आपने ध्यान रखना है कि कॉपीराइट होता है इसका,
तो इस तरफ से चले जाओ, देख लो यार। चलो भाई उठो, लॉक करो इसको। पूछ लो एक बार, किसी और को तो नहीं जाना? नहीं जाना किसी को, नहीं जाना बनी हो। अच्छा, तो फॉन्ट फेसेस जो होते हैं या टाइप फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉपीराइट होता है उसका, जिसने वो बनाया है वो उसका कॉपीराइट है। कैलिब्री माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना के अनाउंस कर दिया कि हमारा है, तो अब उसको एग्जैक्ट वैसा कोई नहीं बना सकता, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उससे, तो कॉपीराइट होता है। और कॉपीराइट वाली कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसको पैसे देना चाहिए, एथिकली तो देना ही चाहिए, लेकिन समटाइम वो लॉ इन्फोर्समेंट भी आती है बीच में कि भाई आपने फला का फॉन्ट यूज़ किया हुआ तो आपकी वेबसाइट डाउन वगैरह हो सकती है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मामला हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हम, लंबी कहानी है वो। ठीक है, तो उसके लाइसेंसेस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, द यूजर्स कंप्यूटर नीड्स द टाइप फेस इंस्टॉल्ड, सी एस एस इज यूजिंग द स्पेसिफिक टाइप फेस। अगर आप सी एस एस में बोलते हैं ना, आप सी एस एस में बोलते हैं कि फॉन्ट फैमिली कर दो एरियल, तो इस केस में क्या होता है कि आप कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हुए फॉन्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जस्ट उसका नाम बता देंगे, यार ये नाम लगा दो। अगर वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ हुआ होगा तो अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, उसी कैटेगरी का कोई दूसरा जो फॉल बैक हमने, तीन नाम लिखते हैं, एरियल वाला कोई भी लग जाएगा। ये चीज़ कवर हुई हुई है पेज नंबर 273 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, इशू इसमें क्या है, इशू इसमें यह है कि देयर इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ टाइप फेसेस दैट ऑलमोस्ट दैट मोस्ट यूजर हैव इंस्टॉल्ड। अब आपका यूज़र लिनक्स पे भी होगा, मैक पे भी होगा, विंडोज़ पे भी होगा, एंड्रॉयड पे भी होगा, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे हैं, क्रोमबुक भी है, अभी और भी आते जा रहे हैं। ठीक है, फूशिया ओएस पता नहीं आ गया अभी कोई एक, तो और पता नहीं कितने आ गए हैं। हारमोनी इन्होंने अपना बना लिया है, हवावे ने, एंड्रॉयड बेस ही है लेकिन अपना बना लिया। तो ऐसा कोई फॉन्ट चूज़ करना पड़ेगा जो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता हो इंस्टॉल। अब ये ऐसा एक फॉन्ट है एरियल, ठीक है, सैंस सेरिफ में एक ओपन सैंस है, वो सब जगह होता है। ओपन सैंस इस वजह से सब जगह क्योंकि वो ओपन सोर्स है। फॉन्ट वैसे तो कॉपीराइट है लेकिन ओपन सोर्स भी होते हैं फॉन्ट बहुत सारे, तो आप कोई ओपन सोर्स फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओपन सैंस है वो सब जगह पे हो सकता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट यार, एक काम करते हैं ना, 7:50 पे छोड़ता हूँ इनको मैं, 8 मिनट बाद। ठीक है, अच्छा अब अगर आप कहते हैं फॉन्ट फेस, एक तो फैमिली आपने बता दी कि भाई ये वाली फैमिली से उठा लो, दूसरा आप फॉन्ट फेस जब लगाते हैं ना सीएसएस में, उसका मतलब होता है कि सीएसएस में आप बता रहे हैं कि फला जगह जाओ, फॉन्ट को डाउनलोड करो और दिखा दो। ठीक है, आपको ऐसी जगह बता देते हैं उसको। अच्छा, इस केस में क्या होता है, ये 277 एंड ऑनवर्ड्स ये बात कवर हुई हुई कि ये चीज़ करनी कैसे है सीएसएस में। The user has to download the font file which can slow down loading of web page. इससे मसला ये होता है कि जब वेब पेज लोड होता है तो जाहिर है वो लिंक एक लगा होता है कि भाई फला जगह जाओ, जैसे गूगल फॉन्ट पे जाओ, वहाँ से फॉन्ट उठा के ले आओ, तो उसमें पेज की लोडिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, अच्छा फॉन्ट को आपने सबसे टॉप पे लोड करना होता है क्योंकि फॉन्ट टॉप पे लोड होगा तो आगे लोड होने वाला टेक्स्ट उस फॉर्म में दिखेगा उस फॉन्ट में। अगर आपने वो लिंक जो है वो लास्ट में लगा दिया, उससे ये होगा कि आपका पहले टेक्स्ट लोड हो जाएगा और वो पुराने फॉन्ट में दिख रहा होगा फॉल बैक वाले में, जैसे ही फॉन्ट लोड होगा फिर वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको टॉप पे, इसी वजह से सीएसएस को भी टॉप पे रखने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सीएसएस, हाँ नहीं, सीएसएस में लगाएंगे ना हम, सीएसएस में कोड लिखेंगे। ये बात कवर हुई हुई है पेज नंबर 277 एंड ऑनवर्ड्स पे कि वो लगेगा कैसे, अभी तो ये थ्योरी की बात हो रही है ना। अच्छा, कह रहा है कि भाई द लाइसेंस टू यूज मस्ट परमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉन्ट एज फॉन्ट फेस्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने ये करना है ना जब काम, तो आपने ये चेक करना है कि आप जो फॉन्ट खरीदा है आपने उसमें ये क्लॉज शामिल हो कि फॉन्ट फेस करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये चीज उसमें मौजूद हो। चॉइस इज लिमिटेड बिकॉज फ्यू फॉन्ट फेसेस कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस वे। कह रहा है कि जो हर फॉन्ट फेस वाले होते हैं ना वो ये अलाउ नहीं करते ये वाला काम करना,
तो इसमें भी लिमिटेड चॉइस है। नंबर तीन, सर्विस बेस्ड फॉन्ट फेसेस। कमर्शियल सर्विसेज गिव्स यू एक्सेस टू द वाइडर रेंज ऑफ फॉन्ट यूजिंग फॉन्ट फेस। कह रहे हैं कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं वो कहती हैं यार ये फॉन्ट हमने खरीदा हुआ है, हम आप आगे आपको रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, रेंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज एन ऑनगोइंग फी टू कवर द लाइसेंस पेड फॉन्ट फाउंड्रीज। उसमें क्या होता है कि जिससे भी आपने वो सर्विस ली हुई होती है उसको आपने कोई मंथली या ईयरली बेसिस पे कुछ पैसे देने होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। द सर्विस टेक केयर ऑफ द लाइसेंसिंग इशू दिस 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 नो पीपल मेड ऑफ द फॉन्ट। कह रहे हैं वो सर्विस वाले फिर आगे देख लेते हैं कि किसने बनाया था, क्या किया था, उसको कैसे पैसे देने हैं, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ईच सर्विस ऑफर अ डिफरेंट चॉइस ऑफ फॉन्ट बेस्ड ऑन देयर एग्रीमेंट विद द फॉन्ट फाउंड्रीज। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके पास तमाम फॉन्ट नहीं होंगे, उसके पास तमाम फॉन्ट नहीं होंगे। जाहिर है जिन फाउंड्रीज ने उनको दिया हुआ अपना फॉन्ट वही रीसेल कर सकता है, ठीक है। जैसे अब हर सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे नहीं होती, जो सीरीज़ बनाई है जिसने वो नेटफ्लिक्स पे डालेगा तो आएगी उसके पास, उसने बोल दिया यार हम नेटफ्लिक्स पे नहीं। जैसे अमेजोन खुद की सीरीज़ बना रहा है अगर, तो वो पहले तो अमेजोन पर रिलीज़ करेगा, वो उधर नहीं होगी, ठीक है। तो अब ऐसा चक्कर शुरू हो गया है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अमेजोन, तो दोनों की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है आपको। तो उस तरह का कुछ केस हो जाएगा कि एक फॉन्ट आपको चाहिए वो इसके पास नहीं है और दूसरा फॉन्ट चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो आपको दोनों की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ सकती है। तो ये वाला एक प्रॉब्लम है। अच्छा, और हमारे पास क्या है, इफ यू डिजाइन ऑन अ मैक इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक दैट द टाइप फेस लुक लाइक ऑन पीसी बिकॉज द पीसी कैन रेंडर टाइप लेस स्मूथली, बट इफ यू डिजाइन फॉर अ पीसी देन इट शुड लुक फाइन ऑन मैक। अच्छा, अब ये मैक की जो स्क्रीन है ना शुरू से हाई रेजोल्यूशन होती थी, जो यानी एप्पल जो कंप्यूटर बनाते हैं उसको मैक बोलते हैं, तो उनकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है शुरू से हाई रेजोल्यूशन हुआ करता था। तो उस टाइम होता क्या है कि इवन दो अभी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में भी ना जो आप मैक के ऊपर अगर डिज़ाइन करते हैं तो उसको एक दफ़ा विंडोज़ कंप्यूटर पर खोल के देखना पड़ता है आपको, क्योंकि कलर्स बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं वहाँ पर और स्मूथनेस वगैरह थोड़ी सी उधर चेंज है, मामला थोड़े से डिफरेंट है। तो कह रहे हैं कि आप अगर मैक पे कर रहे हो तो आपको पीसी पे एक बार खोल के देखना पड़ेगा, अगर पीसी पे कर रहे हो तो वो मैक पे सही चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ ज़्यादा हो जाएगा तो सेट है, ओके। इमेज लगा सकते हैं आप, मतलब लिखे हुए फॉन्ट की इमेज लगा सकते हैं। अच्छा, लिखे हुए फॉन्ट की इमेज, यू कैन रिक्रिएट द ग्राफिक दैट कंटेन्स द टेक्स्ट यू वांटेड टू अपीयर इन अ डिफरेंट टाइप फेस। पीपल हु यूज स्क्रीन रीडर विल रिलाई ऑन द अल्टरनेट टेक्स्ट टू नो व्हाट इज सेड, क्योंकि वो एक इमेज की सूरत में, एक पिक्चर की सूरत में लगा हुआ है, यानी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके लिखा, उसकी पिक्चर ली और वो जाके अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। तो कह रहा है स्क्रीन रीडर पे उसको पता नहीं चलेगा, वो अल्टरनेट टेक्स्ट के जरिए पता चल रहा होगा, तो आपने अल्टरनेट टेक्स्ट का बड़ा ख्याल रखना है अगर। अच्छा, वेरी वाइड चॉइस बिकॉज यू कैन यूज एनी टाइप फेस दैट यू हैव लाइसेंस फॉर, ठीक है। यू हैव लाइसेंस फॉर का मतलब है कि एम एस वर्ड या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आपने जब लिया हुआ होता है तो उस पर जो, हाँ, उस पर जो ग्राफिक बनाते हैं आप फोटोशॉप पे रहते हुए आप कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं तो वो आपका होता है, ठीक है, तो वो आप इजीली इस पे लगा सकते हैं। वेरी वाइड वैरायटी। अच्छा, एक है सिफर। सिफर इज द फॉन्ट एम्बेडेड इनटू अ फ्लैश मूवी और जावास्क्रिप्ट रिप्लेसेस द स्पेसिफाई एचटीएमएल टेक्स्ट इनटू अ फ्लैश वर्जन ऑफ इट। कह रहे हैं कि कोई एनिमेशन या कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो लिखा हुआ रहा तो भी सेट है, तो भी उसकी लाइसेंसिंग का इशू नहीं होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई मैनी कमर्शियल मेकर्स ऑफ टाइप फेसेस अलाउ दिस टेक्निक ऑल्दो यू मे नीड टू पे फॉर एक्स्ट्रा वेब यूज लाइसेंस। इसका लाइसेंस कह रहा है थोड़ा सस्ता होता है, वेब यूज लाइसेंस कहते हैं, लेकिन स्टिल इसमें भी आपको कुछ पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अच्छा, और एक है शिफॉन। शिफॉन पढ़ेंगे इसको गालबन। शिफॉन यूज सिमिलर फंक्शनैलिटी टू सिफर। इट यूजेस जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट आइदर एन एसवीजी और वीएमएल वर्जन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। एसवीजी क्या चीज होती है कि वेक्टर ग्राफिक होती है, वो रन टाइम पे क्या करता है जावास्क्रिप्ट के जरिए वो ग्राफिक क्रिएट कर देता है, पहले से लगा हुआ नहीं होता, फॉन्ट की कोई फाइल नहीं होती, रन टाइम पे क्रिएट कर देता है, तो वो इस तरह की कोई चीज़ होती है। रिक्वायर जावास्क्रिप्ट टू बी इनेबल्ड। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि जावास्क्रिप्ट इनेबल का क्या मतलब है यार, वो तो इनेबल ही होती है हर जगह, है ना, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल भी होती है बहुत सारी जगहों पर। कौन सी जगह है वो कोई बता सकता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल होती है या इनेबल या डिसेबल करनी पड़ सकती है?
हाँ भाई हाँ टॉर ब्राउजर। अच्छा वैसे हर ब्राउजर में ऑप्शन होता है जावास्क्रिप्ट को आप अंदर से जाके डिसेबल कर सकते हैं। ईमेल में आपके पास जो आती है ना ईमेल में जो HTML लिखा हुआ होता है एक्चुअली ईमेल के अंदर भी वहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते आप, डिसेबल होती है परमानेंटली। यानी आपके पास जो किसी भी कंपनी से ईमेल आती है तो ईमेल जब आप ओपन करते हैं तो एक्चुअली अंदर वो HTML में होता है, वो जो आप डब्बे और बटन्स वगैरह जो भी दिख रहे होते हैं ना वो एक्चुअली क्या होता है HTML में होता है और CSS भी लगी हुई होती है उसमें। लेकिन हाँ बस मैं अभी दो मिनट में भेजता हूँ, उसमें जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होती है, जावास्क्रिप्ट उसमें आप नहीं लगा सकते। ठीक है तो ये काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ईमेल भेजते हुए अगर आप ये फॉन्ट लगाएंगे ना तो ये काम नहीं करेगा, सही है। तो जावास्क्रिप्ट इनेबल होना जरूरी है इसके लिए। अच्छा स्लाइटली लेस चॉइस ऑफ सिफर एज सम टाइपफेस मैन्युफैक्चर आर नॉट एज कीन एज दिस टेक्निक। कह रहे हैं कि इसके लिए जाहिर है कोई लाइब्रेरी चाहिए होगी जो हर किसी ने बनाई भी नहीं होती। ठीक है तो ये कुछ बातें कवर हो गई हैं, यहाँ से अब टेक्निकल डिस्कशन शुरू होगी जो इंशाल्लाह अभी आप सब लोग नमाज पढ़ने चले जाएं इंशाल्लाह, फिर ये वापस आके ना नेक्स्ट क्लास में हम ये काम करेंगे। ठीक है नहीं वापस यहाँ बैग वैग तो छोड़ कर जा रहे हो ना तो वापस आओगे ना लेने। ठीक है हाँ क्लास ख़त्म हो गई लेकिन आप सब लोगों ने नमाज़ पढ़ना है उसके बाद घर जाना है। ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़।